हाँ पर मिक्स दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है, कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला प्रश्न है नंबर दो। पृथ्वी पर दिन एवं रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन एवं रात कहाँ बराबर होते हैं मेरे दोस्त? विषुवत रेखा पर। चलिए है ना, अगला प्रश्न है नंबर थ्री। पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है मेरे दोस्त? घूर्णन गति है। क्या है मेरे दोस्त? घूर्णन गति। चलिए नंबर चार प्रश्न है, जब पृथ्वी है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। नंबर पांच आइए प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला है प्रश्न नंबर सिक्स का, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीन बीच मीन टाइम कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? ग्रीन बीच मीन टाइम जिसे कहते हैं, इंग्लैंड में है मेरे दोस्त। कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए नंबर सेवन का प्रश्न है, आइए नंबर सात। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग क्या कहलाता है मेरे दोस्त? क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। चलिए अगला चलिए है नंबर आठ। वी यानी वी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? किससे होता है मेरे दोस्त? नदी से। भी जैसा नदी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर नाइन। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को। देखिए यहाँ टाइपिंग का मिस्टेक है, थोड़ा मैनेज कीजिए, वो आ जाएगा आगे दो के साथ। चलिए आगे आइए नंबर टेन का प्रश्न है, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? उत्तरी अमेरिका में। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, कर उद्योग केंद्र डे ट्रायट कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खान कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 14 का प्रश्न है, आइए, संपूर्ण पृथ्वी पर जल विस्तार है यानी कितना परसेंट है? जल विस्तार कितना परसेंट है? 3/4 भाग है और यह 71% पूरे होता है। 71% पूरे धरती पर पानी ही पानी है। चलिए संपूर्ण पृथ्वी का। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, वायुमंडल है ना, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा है। वायुमंडल में कितने हैं सर्वाधिक गैस की मात्रा? किसकी? नाइट्रोजन की है। और यह कितना है? 78.07%। कितना है मेरे दोस्त? 78.07%। चलिए नंबर 16 का प्रश्न है, वायुयान उड़ान कहाँ भरता है मेरे दोस्त? बताइए वायुयान जो उड़ता है ऊपर में जहाज, कहाँ उड़ान भरते हैं? समताप मंडल में। कहाँ मेरे दोस्त? हाँ तो मेरे फ्रेंड्स, अब नंबर 17 का प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है? ठीक है ना, तो यह गुजरती है 8 राज्यों से मेरे दोस्त। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात है, राजस्थान है, आगे आइए मध्य प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, यानी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं याद करने के लिए, गर मच्छ झपत्रम। क्या मेरे दोस्त? शॉर्ट तरीका है इसका, गर मच्छ झपत्रम, यानी सबका अगला अक्षर जोड़ लीजिए वही हो जाएगा, गर मच्छ झपत्रम। 8 राज्य का नाम याद करने के लिए शॉर्ट विधि हम आपको बता दिए, गर मच्छ झपत्रम। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है? राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब तथा गुजरात। अब इसका शॉर्ट नाम हम आपको बताते हैं, इसका शॉर्ट नाम है मेरे दोस्त राज पंगू, यानी रा से राजस्थान, पंगू
जैसे जम्मू कश्मीर, प से पंजाब, तथा है ना गु से गुजरात। ठीक है, आपको शॉर्ट विधि भी याद करा दिए कि ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, राजपंगु याद कर लीजिएगा। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य है मेरे दोस्त, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है मेरे दोस्त, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जमुना। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना को क्या कहा गया था? शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या कहा गया था? यह कब बना था? 1902 ईस्वी मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, रबी फसलें हैं, रबी फसल में कौन कौन आ जाएंगे? गेहूं, जौ, चना, मटर तथा क्या? सरसों। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, खरीफ फसलें हैं, खरीफ खरीफ फसल के अंदर में कौन कौन आएंगे? धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा तथा मक्का। चलिए नंबर 24 में आ जाए मेरे दोस्त, नकदी फसलें, नकदी फसलें में कौन कौन आएंगे मेरे दोस्त? आलू, मूंगफली, गन्ना तथा प्याज। चलिए नंबर 25 का प्रश्न आ जाइए, पृथ्वी के धरातल में सर्वाधिक कौन गैस पाया जाता है मेरे दोस्त? कौन गैस है? तो ऑक्सीजन है। क्या है मेरे दोस्त? शुरू हुआ मेरे दोस्त भूगोल का है, भारत एवं विश्व से संबंधित प्रश्न है, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हुआ। नंबर 1 प्रश्न कहता है, मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? कहाँ है मेरे दोस्त? यह है राजस्थान में, जो आपको हरे कलर में आपको दिख रहा है वही आंसर है मेरे दोस्त इस प्रश्न का। चलिए आपको हर प्रश्न का यही इसी प्रकार से आंसर मिलेगा। नंबर 2 प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला क्या कहलाता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, आइए नंबर 3 प्रश्न, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम जो होती है क्या कहलाता है मेरे दोस्त? उपसौरिक, है ना। चलिए नंबर 4 प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो यह है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चलिए नंबर 5 प्रश्न है, आइए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों घंटों में करता है? यह करता है मेरे दोस्त 29 दिन, है ना, क्या 29 दिन और 12 घंटा में। चलिए नंबर 6 का प्रश्न, लोहा की सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें ज्यादा होती है मेरे दोस्त? तो बेसाल्ट चट्टान में। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, आइए, जापान की फयुजियामा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पे? रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, भारत में अवसरवादी अरावली, सॉरी, भारत में अरावली पर्वत राजस्थान किसका उदाहरण है मेरे दोस्त? अवशिष्ट, क्या? अवशिष्ट पर्वत का। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है, नंबर 10 का प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? यानी संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। यह कहाँ स्थित है? तिब्बत में। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है कौन है मेरे दोस्त? तो यह है चीन। ठीक है, नंबर 12 का प्रश्न है, आइए, विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब कहाँ बनती है मेरे दोस्त? कहाँ बनती है? फ्रांस में। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, अन्न का भंडार किस देश महादेश को कहा जाता है मेरे दोस्त? किसे कहा जाता है? यूक्रेन देश है और यूरोप महादेश में, है ना, अन्न का भंडार कहा जाता है। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? एस्ट्रोडम, है ना, एस्ट्रोडम गुंबज, यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, आइए, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए
नंबर 16 का प्रश्न है मेरे दोस्त, दो ज्वारों के बीच समय का अंतर कितना घंटा कितना मिनट का होता है मेरे दोस्त? यह होता है 12 घंटा 26 मिनट का। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र क्या कहलाता है मेरे दोस्त? डोलड्रम। क्या? डोलड्रम कहलाता है। नंबर 18 का प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। क्या? जिब्राल्टर को कहा जाता है। नंबर 19 का प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? रेगूर मिट्टी। चलिए नंबर 20 में आ जाइए अब। नंबर 20 का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए कौन है? क्या है? NH 7 है, जो बनारसी से कन्याकुमारी तक लंबी है। ठीक है, चलिए नंबर 21 का प्रश्न आइए, विश्व में सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन है मेरे दोस्त? यह है थाईलैंड। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है मेरे दोस्त? यह है किम्बरले खान, दक्षिण क्या अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नंबर 23 का प्रश्न आइए, भारत के पेरिस के नाम से कौन जाना जाता है मेरे दोस्त? यह जाना जाता है जयपुर। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, फ्रांस की राइन घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए मेरे दोस्त? किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉक्साइट के लिए। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 25, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? शांति सागर। क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रश्न है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यह जो हरे रंग का कलर में लिखा हुआ है यही आंसर है, सेलेनोलॉजी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। नंबर 2 प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। ठीक है, चलिए नंबर 3 का प्रश्न देखते हैं अब, पृथ्वी को नारंगी के समान गोल किसने कहा था? किसने कहा था मेरे दोस्त? न्यूटन ने कहा था। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है, कोडरमा झारखंड से प्राप्त अभ्रक किससे मिलता है? देखिए पैगमाटाइट है ना, पत्थर से मिलता है। ठीक है, चलिए नंबर 5 का प्रश्न है मेरे दोस्त, चलिए मेरे भाई, प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर है अग्नि वलय। ठीक है, अग्नि वलय कहा जाता है। नंबर 6 प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए मेरे भाई, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कोमोलंगमा। ठीक है, चलिए नंबर 8 का प्रश्न देखते हैं, नंबर 8 है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरे दोस्त? इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, पो एक नदी है उसी को कहते हैं। नंबर 9 का प्रश्न आइए, यूरोप का गर्म कंबल किस जल धारा को कहते हैं? किस जल धारा को कहते हैं मेरे दोस्त? गल्फ स्ट्रीम जल धारा को कहते हैं, यूरोप का गर्म कंबल। नंबर 10 का प्रश्न है, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पंपास को, यह एक घास का नाम है। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 180 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 80 है, 180। नंबर 12 का प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटल की रचना किससे हुई है? किससे हुई है? देखिए किससे हुई है भूपटल की रचना? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और क्या है? एल्युमिनियम से। ठीक है, यह तीनों से पृथ्वी की भूपटल की संरचना हुई है। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, आइए, पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है? यह 1/3 भाग पर है। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है,
समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है मेरे दोस्त? यह 18 किलोमीटर से क्या 32 किलोमीटर तक है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, वहाँ मंडल में किस गैस की बहुलता है? हाइड्रोजन और एवं हीलियम की। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले तूफान को क्या कहते हैं? टेर्नेडो। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टेर्नेडो। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। क्या? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। आमतौर पर भारतीय मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। आमतौर पर भारतीय मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, रबी फसल की बुआई का समय कब होता है? कब होता है? अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल की बुआई। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, भारत में तालाब से अधिक सिंचाई कहाँ ज़्यादा होती है? तमिलनाडु में मेरे दोस्त। कहाँ होती है? तमिलनाडु में ज़्यादा होती है तालाब से सिंचाई। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10^8 प्रकाश वर्ष। कितना है मेरे दोस्त? 10^8 प्रकाश वर्ष। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरे दोस्त? बुध को कहते हैं। किसे? बुध को। नंबर 24 का प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसे कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? डिमोस को। किसको? ये डिमोस को कहते हैं। नंबर 25 का प्रश्न देख लीजिए, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है कौन है? जानते हैं आप, बृहस्पति, यानी उसे क्या कहते हैं? जुपिटर। हाँ तो मेरे फ्रेंड, ठीक है। नंबर 1 प्रश्न कहता है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? यह है मंगल यानी मार्स। यह आंसर आपको हरे रंग के कलर में मिलेगा मेरे दोस्त। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। नंबर 2, नीला ग्रह कहलाने वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। कौन है मेरे दोस्त? पृथ्वी। इसे अर्थ कहते हैं। चलिए नंबर 3 का प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि कितना किमी है? कितना किमी है मेरे दोस्त? 40,000 किमी। ठीक है। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है। नंबर 5 का प्रश्न है, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? कितना है मेरे दोस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल? 51 करोड़। कितना? 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नंबर 6 का प्रश्न है, आइए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। चलिए नंबर 7 का प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है मेरे दोस्त? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। नंबर 8 का प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। क्या है मेरे दोस्त? टाइटन। चलिए नंबर 10 का प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था, किसने कहा था? कॉपरनिकस ने बोला था। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं मेरे दोस्त। चलिए नंबर 12 का प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ मेरे दोस्त? 23.5 / 1/2 डिग्री। चलिए ठीक है। नंबर 13 का प्रश्न देख लीजिए, आइए, पृथ्वी के विपरीत दिशा में
चक्कर लगाने वाला ग्रह है? कौन है? शुक्र है, और क्या है? अरुण है, विपरीत दिशा में। चलिए नंबर 14 का प्रश्न देखिए, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के मध्य में, ठीक है। चलिए नंबर 15 का प्रश्न देख लीजिए, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? कितनी मेरे दोस्त? 36,000 किलोमीटर भू स्थित है ना उपग्रहों की ऊंचाई। नंबर 16 का प्रश्न देख लीजिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में कहता है प्रशांत, 16 तो खत्म ही हो गया है, 17 नंबर प्रश्न है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है कितना है बताइए? 16 करोड़ है ना, 16,63,84,000 वर्ग किमी, और इसका जो गहराई का क्षेत्रफल है ना 11,033 मीटर में। और यह कहाँ गहराई, इसका गहराई का नाम, जहाँ गहराई है इसका गहराई है मेरियाना, क्या? मेरियाना गर्त, ठीक है। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त? तो यह है 7,34,81,000 वर्ग किमी। इसका गहराई का नाम है सुंडागर्त, और इसकी गहराई की मीटर है 8,027, ठीक है, मीटर में। कितना है मेरे दोस्त? मीटर में। चलिए नंबर 19 का प्रश्न देख लीजिए, सवाना घास का मैदान किस देश में है मेरे दोस्त? अफ्रीका में है। वेल्ड घास का मैदान किस देश में है मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका में है। अस्टेपिस घास का मैदान किस देश में है? एशिया एवं यूरोप दोनों में मिलता है। चलिए नंबर 22 का प्रश्न, कैलिफोर्निया की जलधारा किस महासागर में एवं कैसी है मेरे दोस्त? कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर में है, और यह ठंडी जलधारा है। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, अलास्का की जलधारा किस महासागर में एवं कैसी है? यह प्रशांत महासागर में है, ठीक है ना? क्या? अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर, और यह गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, नॉर्वेस्टर गर्म एवं शुष्क हवा किस देश से है? न्यूजीलैंड से है। चलिए नंबर 25 का, लू गर्म हवा किस देश से है मेरे दोस्त? उत्तर भारत से। नंबर 1 प्रश्न है, गोटा नहर कहाँ की स्थिति है, यानी कहाँ स्थित है, यह किस किसको जोड़ती है मेरे दोस्त? यह है स्वीडन, क्या यह स्वीडन में स्थित है मेरे दोस्त? स्वीडन की स्थिति में है, और यहाँ स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को, ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, नंबर ये एक प्रश्न हो गया। अब नंबर दूसरा प्रश्न का प्रश्न पढ़ते हैं, न्यू वाटरवे कहाँ की स्थिति है मेरे दोस्त? तो यह है ना कहाँ की स्थिति है, और यह किस किसको जोड़ती है? यह जर्मनी की है, क्या मेरे दोस्त? जर्मनी की है, और यह उत्तरी सागर और रॉटरडम को जोड़ती है, कहाँ मेरे दोस्त? उत्तरी सागर और रॉटरडम को जोड़ती है। चलिए नंबर 3 का प्रश्न है, केपी नहर, क्या केपी नहर कहाँ की स्थिति है मेरे दोस्त? यह किस किस को जोड़ती है? यह भारत की है ना, और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। चलिए नंबर 4 प्रश्न है, अल्बर्ट नहर, अल्बर्ट नहर कहाँ की स्थिति है मेरे दोस्त? यह किस किस को जोड़ती है? यह पश्चिमी यूरोप की है, और यह एंटवर्प लीग तथा वेनेलक्स को जोड़ती है, किसको? वेनेलक्स को। चलिए नंबर 5 प्रश्न, अब आइए देखते हैं। नंबर 5 प्रश्न है, फयू जियामा ज्वालामुखी का स्थान एवं प्रकार कहाँ और किस प्रकार का है मेरे दोस्त? यह जापान का है, स्थान जो बोले यह जापान का है, और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी प्रकार का है।
ठीक है। नंबर 6 प्रश्न आइए, चिम्बराजो ज्वालामुखी का स्थान एवं प्रकार बताइए, किस प्रकार का है? यह है दक्षिण अफ्रीका का और यह शांत ज्वालामुखी है। क्या है मेरे दोस्त? शांत ज्वालामुखी है। फिर नंबर 7 का प्रश्न है, माउना लोआ ज्वालामुखी का स्थान एवं प्रकार किस प्रकार का है बताइए। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नंबर 8 का प्रश्न देख लीजिए, 9 डिग्री चैनल का जो जल अंतराल कहाँ अवस्थित है मेरे दोस्त? यह है लक्षद्वीप व मिनिकाय के मध्य, कहाँ? दोनों के मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य यह स्थित है 9 डिग्री चैनल। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, ग्रैंड चैनल का जल अंतराल कहाँ अवस्थित है मेरे दोस्त? यह है सुमात्रा वनी कोवार के, है ना, सुमात्रा व निकोबार के मध्य, किसके? सुमात्रा और निकोबार के मध्य, ठीक है। तो नंबर 10 का प्रश्न देखिए, मन्नार की खाड़ी चैनल का जल अंतराल कहाँ अवस्थित है मेरे दोस्त? यह है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु, क्या? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, ठीक है मेरे। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए अगला प्रश्न है नंबर 11 का, आइसोबाथ मानचित्र रेखाएं किस क्षेत्र को मिलाने वाले रेखाएं हैं? यह समान गहराई वाले समुद्र स्थल को मिलाने वाले रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, आइसोवर मानचित्र रेखाएं किस क्षेत्र को मिलाने वाले रेखाएं हैं? यह समान, क्या? यह समान वायुदाब वाले क्षेत्र को, इसको है ना, यह समान वायुदाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाले रेखा है, यह आइसोबार है। क्या है? आइसोबार है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 13 का, आइसो हाइट मानचित्र रेखाएं किस क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाएं हैं मेरे दोस्त? यह समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाले रेखाएं हैं। नंबर 14 का प्रश्न है, आइसोडाइन मानचित्र रेखाएं किस क्षेत्र को मिलाने वाले रेखाएं हैं मेरे दोस्त? यह समान चुंबकीय गहनता वाले स्थान को मिलाने वाले रेखाएं हैं। नंबर 15 का प्रश्न है, लुजोन जल संधि किस जल संधि को जोड़ती एवं कहाँ अवस्थित है? यह दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है और यह ताइवान और फिलीपींस, क्या? फिलीपींस में स्थित है। नंबर 16 का प्रश्न है, आइए नंबर 16 का में देखिए, डेनमार्क जल संधि किस जल संधि को जोड़ती है एवं कहाँ अवस्थित है मेरे दोस्त? यह उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और यह इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। चलिए नंबर 17 का आइए, डोवर जल संधि किस जल संधि को जोड़ती है एवं कहाँ अवस्थित है? यह इंग्लिश चैनल को एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है और यह इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि किस जल संधि को जोड़ती है एवं कहाँ अवस्थित है? यह भूमध्य सागर को जोड़ती है एवं अटलांटिक, है ना, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं यह स्पेन एवं मोरक्को में स्थित है। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, कोरिया जल संधि किस जल संधि को जोड़ती है एवं कहाँ अवस्थित है? यह जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और जापान और कोरिया में स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त, जापान और कोरिया में स्थित है। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, डैम्पियर जल संधि किस जल संधि को जोड़ती है एवं कहाँ अवस्थित है? यह प्रशांत महासागर एवं, है ना, यह प्रशांत महासागर में है, बस ओनली फॉर वही है प्रशांत महासागर, और यह इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, वॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका और ब्राजील। चलिए नंबर 22 का प्रश्न देखिए, मैगजीन खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है? यह है यूक्रेन, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका, क्या? दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। चलिए नंबर 23 का प्रश्न देख लीजिए मेरे दोस्त, सोना का खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है? यह दक्षिण अफ्रीका,
पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नंबर 24 का प्रश्न देखिए, थोरियम खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया। चलिए नंबर 25 का, क्रोमियम खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। मेरे नंबर 1 प्रश्न है मेरे दोस्त, क्रायोफाइट वनस्पति की क्षेत्र विशेषता है, किस क्षेत्र की है मेरे दोस्त? यह टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। चलिए नंबर 2 प्रश्न है, हेलोफाइट वनस्पति की क्षेत्र विशेषता है, बताइए कौन है? यह नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है मेरे दोस्त। चलिए नंबर 3 प्रश्न है, लिथोफाइट वनस्पति की क्षेत्र विशेषता है, बताइए? यह कड़ी चट्टानों, है ना, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। क्या? कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रेणी किस देश में है? किस देश में है रॉकी पर्वत श्रेणी शिखर? उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 5, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी शिखर किस देश में है मेरे दोस्त? यह भारत में है। नंबर 6 प्रश्न है, अल्पस पर्वत श्रेणी शिखर किस देश में है? यह इटली और स्विट्जरलैंड में है। नंबर 7 का प्रश्न है, एटलस पर्वत श्रेणी शिखर किस देश में है मेरे दोस्त? यह उत्तरी उत्तर पश्चिम, है ना, अफ्रीका, ठीक है, इस देश में है। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है, मक्का फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ठीक है। चलिए नंबर 9 का प्रश्न देख लीजिए अब, तिलहन फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है ब्राजील, चीन और भारत। चलिए नंबर 10 का प्रश्न देखिए अब, रबर फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। यहाँ बहुत ज्यादा होता है इसलिए इनका नाम है। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, मूंगफली फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, चुकंदर फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? चलिए चुकंदर का पहला है रूस, फ्रांस, जर्मनी और USA। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, आइए, मोटे अनाज फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस एंड चीन। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है, आइए, सुपीरियर झील किस से संबंधित क्षेत्र एवं देश से है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से। नंबर 15 का प्रश्न है, बैकाल झील, क्या बैकाल झील किस से संबंधित क्षेत्र एवं देश है मेरे दोस्त? यह सोवियत संघ से, ठीक है। नंबर 16 का प्रश्न है, टिटिकाका झील किस देश से संबंधित क्षेत्र एवं देश है? यह पेरू और बोलीविया से, ठीक है। नंबर 17 का प्रश्न आइए देखिए, यह यांगसी नदी का उद्गम स्थल एवं मुहाना बताइए? यह तिब्बत का पठार है, उद्गम इसका और इसका मुहाना है कारा सागर। क्या है मेरे दोस्त? कारा सागर। चलिए बोलगा नदी का उद्गम स्थल एवं मुहाना बताइए? यह असलडाई पठार से है और कैस्पियन सागर इसका मुहाना है। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल एवं मुहाना है मानसरोवर झील, अरब सागर, है ना। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल एवं मुहाना है शेषनाग झील हो गया और इसका क्या चिनाब नदी। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 21 का, गंडक नदी का उद्गम स्थल एवं मुहाना है बताइए? यह नेपाल है, ठीक है ना, नेपाल और इसका गंगा नदी, ठीक है, मुहाना। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, लूनी नदी का उद्गम स्थल एवं मुहाना है मेरे दोस्त? यह नाग पहाड़ी है इसका उद्गम स्थल और यह कच्छ की रन में इसका मुहाना है, ठीक है। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, अरावली पहाड़ी का शिखर ऊंची छोटी बताइए? ऊंची छोटी है गुरु शिखर, कौन है मेरे दोस्त? गुरु शिखर है। सतपुरा पहाड़ी की ऊंची शिखर छोटी है ना, कौन है? धूपगढ़ी है मेरे दोस्त।
नंबर 15 का प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी की शिखर ऊंची चोटी है मेरे दोस्त दोदा बेटा। एक प्रश्न है, मसाई जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, यह कीनिया से संबंधित है। चलिए नंबर 2 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, काला हारी मरुस्थल से। चलिए नंबर 3 का प्रश्न है, निग्रो जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, यह है मध्य अफ्रीका से। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है, बोरो जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह ब्राजील से है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्त नंबर 5 का प्रश्न देखते हैं अब, सूडान देश का भौगोलिक खोज किसने किया था, हाइनर रिच वार्थ ने, हाइन रिच वार्थ ने। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है, न्यासा झील का भौगोलिक खोज किसने किया था, किसने किए हैं, डेविड लिविंग स्टोन ने। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, प्रशांत महासागर का भौगोलिक खोज किसने किया है, यह किए हैं मैगलन ने। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का भौगोलिक खोज किसने किया है, यह किए हैं तस्मान ने, कौन किए हैं, तस्मान ने। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, कुर्नूल नगर किस भारतीय नदी के किनारे बसे हैं मेरे दोस्त, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हैं। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है, ओरछा नगर किस भारतीय नदी के किनारे बसे हैं, यह बेतवा नदी के किनारे बसे हैं। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, संबलपुर नगर किस भारतीय नदी के किनारे बसे हैं, यह महानदी के किनारे बसे हैं। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, बोधगया नगर किस भारतीय नदी के किनारे बसे हैं, यह बसे हैं फल्गु नदी के किनारे। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है एवं इसकी ऊंचाई क्या है, यह कृष्णा की सहायक गोकाक नदी है और यह इसकी ऊंचाई 55 मीटर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 14 का, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है एवं इसकी ऊंचाई क्या है, यह नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है, ठीक है। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, आइए देखते हैं, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है एवं ऊंचाई क्या है, यह टोए नदी पर है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है मेरे दोस्त। नंबर 16 का प्रश्न देख लीजिए, पिछौला झील किस राज्य से संबंधित है, यह राजस्थान से है संबंधित। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है, हुसैन सागर झील किस राज्य से संबंधित है, झीले हैं, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है मेरे दोस्त। चलिए आगे आइए, नंबर 18 का प्रश्न है, फतेह सागर झील किस राज्य से संबंधित है, झीले हैं मेरे दोस्त, यह राजस्थान से संबंधित झीले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। नंबर अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर, के कोलेरू झील किस राज्य से संबंधित झीले हैं, यह है आंध्र प्रदेश से। नंबर 20 का प्रश्न देखिए, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य से संबंधित दर्रे हैं मेरे दोस्त, यह जम्मू कश्मीर से है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर से। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, वाराणसी दर्रा किस राज्य से संबंधित दर्रे हैं, यह हिमाचल प्रदेश से है। नंबर 22 का प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य से संबंधित दर्रे हैं, यह उत्तराखंड से है। चलिए नंबर 23 का प्रश्न आइए देखिए, गेहूं गन्ना आलू फसले का प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्य कौन है मेरे दोस्त, यह उत्तर प्रदेश है, कौन है, उत्तर प्रदेश। नंबर 24 का प्रश्न देख लीजिए, कहवा यानी कॉफी फसले का प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्य कौन है, यह कर्नाटक है। चलिए नंबर 25 का प्रश्न देख लीजिए और लास्ट है, तंबाकू फसले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है मेरे दोस्त, यह है। आज नंबर 1 प्रश्न शुरू हुआ, लोह अयस्क खनिज का सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्य कौन है, यह है मेरे दोस्त, हरे रंग के कलर में जो लिखा हुआ है राइटिंग, यही आंसर है झारखंड।
लो अयस्क में कौन है मेरे दोस्त? झारखंड। चलिए नंबर टू प्रश्न है, वॉक्साइट मैग्नीज खनिज का सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्य कौन है मेरे दोस्त? है वह है ओडिशा। कौन है मेरे दोस्त? ओडिशा। चलिए अगला है नंबर थ्री प्रश्न, हीरा खनिज का सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? यह है मध्य प्रदेश, जो पन्ना खान के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नंबर चार प्रश्न है, आइए, यूरेनियम तांबा खनिज का सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? यह है झारखंड। चलिए नंबर पांच प्रश्न देखते हैं, अब आगे हैं परियोजना से, ब्यास परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? चलिए यह बना है ब्यास नदी पर और इससे लाभान्वित क्षेत्र है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर छह प्रश्न को देख लीजिए, हीरा कुंड बांध किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है मेरे दोस्त? आइए देखिए, यह बना है महानदी पर और यह ओडिशा में, यानी ओडिशा ही इससे सिर्फ ओनली मात्र लाभान्वित क्षेत्र है। चलिए नंबर सात का प्रश्न देख लीजिए, मयूराक्षी परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? यह मयूराक्षी नदी पर बना है और इससे लाभान्वित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। चलिए नंबर आठ का प्रश्न देख लीजिए, कोसी परियोजना किस नदी घाटी पर है ना बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन है मेरे दोस्त? कौन कौन है? यह कोसी नदी पर बना है, ठीक है, और इससे लाभान्वित क्षेत्र है बिहार और तथा नेपाल। कौन है मेरे दोस्त? बिहार और नेपाल। चलिए नंबर नौ का प्रश्न देखिए, अब फरक्का परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है मेरे दोस्त? यह भागीरथी नदी पर बना है और इससे लाभान्वित क्षेत्र है ओनली फॉर पश्चिम बंगाल। चलिए नंबर तेरह प्रश्न देख लीजिए, पोचमपाद परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? यह बना है गोदावरी नदी पे और इससे लाभान्वित क्षेत्र मातरम कर्नाटक है। कौन राज्य है मेरे दोस्त? मात्र कर्नाटक है। चलिए नंबर 11 का प्रश्न देख लीजिए, रिहंद परियोजना किस नदी घाटी पर बना है मेरे दोस्त एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? यह बना है रिहंद नदी पर और इससे लाभान्वित क्षेत्र ओनली फॉर उत्तर प्रदेश है। कौन है मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नंबर 12 का प्रश्न देख लीजिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? यह बना है मेरे दोस्त गंगा नदी पर और इससे लाभान्वित क्षेत्र है उत्तराखंड। प्रश्न देख लीजिए, राम गंगा परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है मेरे दोस्त? यह राम गंगा नदी पर बना है और इससे लाभान्वित क्षेत्र मात्र ओनली फॉर उत्तर प्रदेश है। चलिए नंबर 14 का प्रश्न देख लीजिए, भद्रा परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है मेरे दोस्त? यह भद्रा नदी पर बना है और इससे मात्र लाभान्वित क्षेत्र कर्नाटक है, ओनली फॉर कर्नाटक। नंबर 15 का प्रश्न देख लीजिए, हिडकल परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है मेरे दोस्त? यह घाट प्रभा नदी पर बना है, घट प्रभा नदी एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कर्नाटक है। चलिए ओनली फॉर कर्नाटक। नंबर 16 प्रश्न है, पूर्णा परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? यह पूर्णा नदी पर बना है और इससे लाभान्वित क्षेत्र मात्र महाराष्ट्र है। कौन है मेरे दोस्त? ओनली फॉर महाराष्ट्र। चलिए नंबर 17 का प्रश्न देख लीजिए, गंगा सागर परियोजना किस नदी घाटी पर बना है एवं इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है मेरे दोस्त? यह बना है चंबल नदी पर और इससे लाभान्वित क्षेत्र मात्र ओनली फॉर मध्य प्रदेश है। चलिए नंबर 18 का प्रश्न देख लीजिए, भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश है ना कि आदिम जातियां कौन कौन है? यह है बार, यास
मोपा आपातानी डाफला। ठीक है, नंबर 19 का प्रश्न देखिए, भारतीय राज्य नागालैंड की आदिम जातियां कौन कौन है? यह है नागा, सिटेंग, नबुई। चलिए नंबर 20 का प्रश्न देखिए। अब नंबर 20 में कह रहा है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की आदिम जातियां कौन कौन है? यहां आदिम जातियां हैं हो, कोरा, भूटिया और खरिया। ठीक है, चलिए नंबर 21 का प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आदिम जातियां कौन कौन है? यह है थारू, भोटिया, कोल, खास, भोकस, भोक्सा। ठीक है, नंबर 22 का प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की आदिम जातियां कौन कौन है? यह है गुज्जर, गद्दी, है ना, क्या गद्दी, लंबा, किन्नर। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, भारतीय राज्य केरल की आदिम जातियां कौन कौन है? यह है कोराग, मल्ला, कादर, मोपला, मलई, गडाई। ठीक है, नंबर 24 का प्रश्न देखिए, भारतीय राज्य गुजरात की आदिम जातियां कौन कौन है? यह है भील, कोली, बांजरा, है ना, बंजरा, बंजारा जिसको बोलते हैं, बंजारा। चलिए नंबर 25 का प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राज्य त्रिपुरा की आदिम जातियां कौन कौन है? यह है रियांग। की दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह है मेरे दोस्त झारखंड, यानी हर एक कलर का रंग में आपको दिखेगा आंसर, यह झारखंड में है। और वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? हाथी है, तेंदुआ है और हिरण है। चलिए नंबर 2 का प्रश्न है, नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में, और वहां संरक्षित प्राणी है जलीय पक्षियां। चलिए नंबर 3 का प्रश्न देख लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह है कर्नाटक में, और वहां संरक्षित प्राणी है हाथी, चीता एवं तेंदुआ। चलिए नंबर 4 का प्रश्न देखते हैं, सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है मेरे दोस्त? देखिए सुल्तानपुर झील अभयारण्य है हरियाणा में, और वहां संरक्षित प्राणी है जलीय पक्षियां। चलिए नंबर 5 प्रश्न है, कैबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह है मणिपुर राज्य में। ठीक है, और वहां संरक्षित प्राणी है हिरन, बकरा, क्या बकरा एवं पक्षियां। चलिए नंबर 6 का प्रश्न देख लीजिए मेरे भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह है असम में, है ना, काजीरंगा कहाँ है? असम में है, और वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? चीता है, गोंडा है एंड सूरज है, सुअर, सॉरी सुअर है। ठीक है, चलिए नंबर 7 का प्रश्न देख लीजिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है एवं कहाँ वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, और वहां संरक्षित प्राणी है चीता, सांभर, भालू। ठीक है, चलिए नंबर 8 का प्रश्न देख लीजिए, वेदांत गल अभ्यारण किस राज्य में है ना, एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह है तमिलनाडु में, और वहां संरक्षित प्राणी है जलीय पक्षियां। चलिए नंबर 9 का प्रश्न देख, चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, परम्बिकुलम अभयारण्य किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? कौन है? यह केरल राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी है चीता, हाथी,
नील गाय। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला प्रश्न है नंबर 10 का। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है एवं वहां संरक्षित प्राणी कौन कौन है? यह है मध्य प्रदेश में और वहां संरक्षित प्राणी है बाघ, तेंदुआ, भालू। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नंबर 11 का प्रश्न देख लीजिए। काली मिट्टी में कौन कौन तत्वों की मात्रा पाया जाता है? उसमें पाया जाता है काली मिट्टी में आयरन की मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा एवं मैग्नीशियम की मात्रा। चलिए नंबर 12 का प्रश्न देख लीजिए। लाल मिट्टी में कौन कौन तत्वों की मात्रा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिलिका की मात्रा एवं आयरन की मात्रा। चलिए नंबर 13 का प्रश्न देख लीजिए। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानों का कायांतरित रूप क्या है? यह है नीस। कायांतरित रूप क्या हो गया? नीस हो गया। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है। शैल अवसादी चट्टानों का कायांतरित रूप क्या है? इसका कायांतरित रूप है स्लेट। चलिए नंबर 15 का प्रश्न देख लीजिए। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का कायांतरित रूप क्या है? क्वार्ट जाइट। क्या है मेरे दोस्त? क्वार्ट जाइट। इसका कायांतरित रूप क्वार्ट जाइट हुआ। नंबर 16 का प्रश्न है। डोलोमाइट अवसादी चट्टानों का कायांतरित रूप क्या है? इसका कायांतरित रूप संगमरमर है। 16 नंबर का क्या हो गया? संगमरमर। नंबर 17 का प्रश्न देख लीजिए। साल्ट रेंज पर्वत किस देश का है एवं इसका प्रकार कैसा है? साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान का है एवं इसका प्रकार है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत की तरह है, के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है। यूराल पर्वत किस देश का है एवं इसका प्रकार कैसा है? यह रूस देश का है एवं इसे बलित पर्वत भी कहते हैं, बलित पर्वत का प्रकार है। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है। अरावली पर्वत किस देश का है एवं इसका प्रकार कैसा है? अरावली भारत का है और इसे अवशिष्ट पर्वत के भी नाम से जाने जाते हैं। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है। कोरबा ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नंबर 21 का प्रश्न है मेरे भाई। नवेली ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है। रामागुंडम सुपर ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में अवस्थित है मेरे दोस्त? यह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नंबर 23 का प्रश्न है। हर दुआन गज ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है मेरे भाई। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है। सागरीय जल द्वारा बने स्थलाकृति को क्या क्या कहते हैं? पुलीन कहेंगे, लूप कहेंगे, टोम्बेलो कहेंगे, तंगरीका कहेंगे, हुक कहेंगे एवं बेला चली कहेंगे। नंबर 25 का प्रश्न देख लीजिए। हिमनद द्वारा बने स्थलाकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? टॉर्न, ड्रमलीन, फ्योर्ड, सर्क, हॉर्न, केम, नुनाटक है एवं अरेट। नंबर 1 प्रश्न कह रहा है, संचार उपग्रह कहाँ स्थित होता है? यह होता है मेरे दोस्त आयन मंडल में। कहाँ मेरे दोस्त? आयन मंडल में। नंबर 2 प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है? यह है मेरे दोस्त मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है तथा कौन? पश्चिम बंगाल। इसका शॉर्ट ट्रिक नाम है मित्री अमेप। क्या? मित्री अमेप। शॉर्ट में याद कर लीजिए, आपको काम आएगा, बहुत यह प्रश्न आएगा कि आप इस शॉर्ट ट्रिक से सबका जवाब दे दीजिएगा। मी से हो गया मिजोरम, त्री से हो गया त्रिपुरा, अ से हो गया असम, मे से हो गया मेघालय और प से हो गया मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल। चलिए नंबर 3 का प्रश्न देख लीजिए। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है? यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और है नागालैंड,
फिर है मणिपुर तथा या मिजोरम। इसका शॉर्ट तरीके आ न म मी अन ममी, यानी अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है अरुणाचल प्रदेश, और न से हो गया नागालैंड, क्या न से नागालैंड, म से मणिपुर, म से मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम, क्या मी से हो गया मिजोरम। चलिए ना नंबर चार का प्रश्न देख लीजिए। खनिज तेल तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है औसादी चट्टान में, क्या औसादी चट्टान में। नंबर पांच का प्रश्न है, विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? पेरिस को। चलिए नंबर छह का प्रश्न देख लीजिए, विश्व विख्यात स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? यह है दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ है मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका में है। नंबर सात का प्रश्न देख लीजिए, सीमा सड़क संगठन BRO, क्या BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। चलिए नंबर आठ का प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। नंबर नौ का प्रश्न देख लीजिए, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? यह है लिबनिटज, कौन है मेरे दोस्त? यह लिबनिटज है, यह 35,000 फुट क्या ऊंचा है। चलिए नंबर 10 का प्रश्न देख लीजिए, चौड़ी पत्ती वाला शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है पर्वतीय वन में, कहाँ मेरे दोस्त? पर्वतीय वन में। चलिए नंबर 11 का प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? यह है चंद्रमा, जिसे अंग्रेजी में मून कहते हैं। नंबर 12 का प्रश्न देख लीजिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? यह है प्रक्सिमा सेंचुरी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नंबर 13 का प्रश्न देख लीजिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, कितना करता है? लगभग 27 दिन 8 घंटा में, ठीक है मेरे दोस्त। नंबर 14 का प्रश्न है, चिनुक गर्म हवा किस देश में संबंधित है? चिनुक गर्म हवा किस देश से, यहाँ टाइपिंग का मिस्टेक है, संबंधित स्थान से है, चिनुक गर्म हवा किस देश में संबंधित स्थान से है। चलिए ठीक है प्रश्न ठीक है, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से, ठीक है। चलिए नंबर 15 का प्रश्न देख लिए, एल नीनो जलधारा की प्रकृति कैसी है एवं किस महासागर की? यह है गर्म जलधारा है मेरे दोस्त, और यह प्रशांत महासागर की है। चलिए नंबर 16 का प्रश्न देख लीजिए, प्रेरी घास का मैदान किस देश में है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा का है, ठीक है। नंबर 17 का प्रश्न देख लीजिए मेरे दोस्त, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है एवं गहरा स्थान और मीटर में क्या है? यह देखिए बताइए, इसका गहरा क्षेत्रफल है, इस अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है 8 करोड़, क्या 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और इसका गहरा स्थान का नाम है प्यूटोर रिको गर्त, इसका गहराई का मीटर है 9,260 मीटर मेरे दोस्त, क्या मीटर में। चलिए नंबर 18 का प्रश्न देख लीजिए, किली मंजारो ज्वालामुखी किस स्थान से है एवं इसका प्रकार कैसा है? यह अफ्रीका का है ना, और इसका प्रकार शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। और नंबर 19 का प्रश्न देख लीजिए, डक
दक्कन पास जल अंतराल कहाँ अवस्थित है? यह दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। ठीक है, नंबर 20 का प्रश्न देख लीजिए। आइसोहेल मानचित्र रेखाएं किस क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाएं हैं? यह है समान धूप अवधि वाले स्थान को। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, टंगस्टन खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है? यह है चीन और रूस। कौन कौन है मेरे दोस्त? चीन और रूस टंगस्टन का। ऊन फसल का उत्पादक देश कौन कौन है मेरे दोस्त? यह है ऑस्ट्रेलिया और भारत। नंबर 23 का प्रश्न देखिए, विजयवाड़ा नगर भारत के किस नदी के किनारे बसे हैं? यह कृष्णा नदी के किनारे बसे हैं। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, खूर पाताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। नंबर 25 का प्रश्न है, मूंगफली फसल का भारतीय उत्पादक राज्य कौन है? यह है गुजरात। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू, धन्यवाद। मैं अरुण कुमार रजक, माई यूट्यूब क्या यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल क्या बेल का है ना, बेल का घंटा दबा दें एवं ऑल पर क्लिक कर दें, क्या क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी हम आपको वीडियो अपने चैनल पे डालें तो आपको मैसेज मिल जाए, जिससे आप आसानी से एक क्लिक पर देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और शेयर तो करना बिल्कुल ही ना भूलें मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद। और मैं जाते जाते बता देना चाहूँगा, यही पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का जो बाटर मार्क हर पेज पर आपको दिखा, यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे दोस्त। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके बोल दीजिए या लिख दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहे।